नमस्कार दोस्तों, 10 अक्टूबर साल 1962 सुबह के करीब 8 बजे अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर मौजूद थगला रिज में हमारे फौजी रोजमर्रा की एक्टिविटीज में बिजी थे। तभी अचानक से चाइना के ट्रूप्स भारी तादाद में हमला बोल देते हैं। उस पोस्ट पर सिर्फ 56 इंडियन सोल्जर्स मौजूद थे उस दिन, और चाइना की तरफ से 600 ट्रूप्स जिन्होंने हमला बोला था। फिर भी ये 56 सोल्जर्स इस अटैक को होल्ड ऑफ करने में सक्सेसफुल रहते हैं। लेकिन करीब 1.5 घंटे बाद 9:30 बजे चाइनीज ट्रूप्स की तरफ से एक दूसरा हमला किया जाता है। इस बारी मोर्टार फायर की बमबारी भी होने लगती है। इंडियन सोल्जर्स बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे एक जंग लड़ने के लिए। कुछ ही घंटों बाद चाइनीज की तरफ से एक तीसरा हमला किया जाता है, और इस बार कोई ऑप्शन नहीं बचता विड्रॉ करने के अलावा। इस इंसिडेंट के करीब 10 दिन बाद 20 अक्टूबर को ऑफिशियली शुरू होती है द इंडिया चाइना वॉर ऑफ 1962। ये इतिहास में इकलौती फुल फ्लेश्ड वॉर है जो इन दो देशों के बीच लड़ी गई, और इकलौती वॉर जो इंडिया हारा। आखिर क्या कारण इसके पीछे, आइए जानते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। ये वीडियो मेरा सेकंड पार्ट है 1962 वॉर सीरीज का। इससे पिछले वीडियो मैंने समझाया था कि वॉर शुरू होने से पहले क्या क्या हुआ था, कैसे हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए जाते थे, दोनों देशों ने एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश करी थी, लेकिन फिर देखते ही देखते कैसे हालात बद से बदतर हो गए। आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब हम 10 अक्टूबर वाले हमले की बात करें तो इसके पीछे दो मेन कारण बताए जाते हैं कि चाइनीज फोर्सेज ने इंडिया पर हमला क्यों किया। पहला, चाइना को शक था कि टिबेट के रीजन में इंडिया काफी दखलंदाजी करने वाला है। हालांकि ये शक गलत था, इंडिया का कोई भी इंटेंशन नहीं था टिबेट में कोई छेड़छाड़ करने का। एक्सपर्ट्स का मानना था कि चाइना की तरफ से ये परसेप्शन बहुत गलत निकली। इंडिया की प्रायोरिटी उस वक्त अपने देश को डेवलप करने की थी, लेकिन चाइना का ये शक इसलिए पैदा हुआ क्योंकि 1959 में दलाई लामा को इंडिया ने रेफ्यूज दी थी। दूसरा कारण था डिस्प्यूटेड रीजन्स में इंडिया के एग्रेशन को काउंटर करना। इस कारण को लेकर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक रीजनेबल परसेप्शन था चाइना का। पार्ट वन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे प्रधानमंत्री नेहरू ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई थी। इसके तहत इंडियन सोल्जर्स जाकर धीरे धीरे उस टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर रहे थे जिसे हम अपना मानते थे। अमेरिका की CIA का मानना था कि चाइना के हमला करने के पीछे यही मेन प्राइमरी कंसिडरेशन थी। चाइना जिस जमीन को अपना मानता था, चाइनीज फोर्सेस इंडियंस को पनिश करना चाहती थी उस जमीन पर आने के लिए। और यही कारण था कि 10 अक्टूबर 1962 थगला रिज पर हमारे सोल्जर्स को एक दर्दनाक हमला देखना पड़ा। लेकिन दोस्तों, चाइना की तरफ से ये कोई रैंडम हमला नहीं था। चाइनीज स्ट्रेटेजिकली प्लान बना रहे थे इंडियन फोर्सेस को काउंटर करने का। थगला रिज पर इंडिया ने अपना खुद का एक प्लान बनाया था जिसे ऑपरेशन लेग हॉर्न का नाम दिया गया था। इसे लीड कर रहे थे 7th ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर जॉन डालवी। इस ऑपरेशन का मकसद था चाइनीज सोल्जर्स को थगला रिज से बाहर निकालना, लेकिन ज्यादा लड़ाई एक्सपेक्ट नहीं करी जा रही थी। इस प्लान को एक्शन में लाते वक्त कुछ दिन पहले 20 सितंबर को छोटी मोटी फायरिंग ऑलरेडी देखने को मिल रही थी। कुछ चाइनीज सोल्जर्स ने ग्रेनेड्स भी फेंके थे इंडियन फोर्सेस के ऊपर। इसे देखकर ये बात ऑलरेडी क्लियर हो चुकी थी कि चाइना एक मैसेज पहुंचाना चाहता है इंडिया को, कि इंडिया की जो रीऑक्यूपेशन स्ट्रेटजी है उसका जवाब वो चुप्पी से नहीं देगा। ऑपरेशन लेगहॉर्न को लेकर चाइना के डिफेंस मिनिस्टर लिन बायाओ ने 6 अक्टूबर को एक ब्रीफिंग में बताया कि चाइनीज फोर्सेस एक हमला एक्सपेक्ट कर रही थी 10 अक्टूबर को। सही सुना आपने, चाइनीज फोर्सेस को लग रहा था कि 10 अक्टूबर को इंडियन फोर्सेस उन पर हमला करेंगी। चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने बात जाकर चाइना के डिक्टेटर माओ ज़ेडोंग को बताई तो ये सुनकर उन्होंने कहा, इट सीम्स लाइक आर्म्ड कोएग्जिस्टेंस वोंट वर्क। जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, नेहरू चाहता है कि हम फोर्स का इस्तेमाल करें। ये कोई अजीब बात नहीं है, देखकर हमेशा से ही लग रहा था कि नेहरू अक्साई चिन और थगला रिज पर कब्जा जमाना चाहता है। नेहरू को लगता है कि उसे सब मिल जाएगा जो वो चाहता है। इसके चलते बीजिंग में एक बड़ी मिलिट्री मीटिंग बिठाई जाती है जहां पर चाइनीज लीडरशिप और चाइना का सेंट्रल मिलिट्री काउंसिल डिसाइड करता है कि इंडिया के खिलाफ जंग छेड़ी जाएगी। दूसरी तरफ इंडिया में इंडियन सरकार और इंडियन मिलिट्री ऑफिशियल्स को बड़ा कॉन्फिडेंस था कि चाइना की तरफ से कोई जंग नहीं छेड़ी जाएगी, इसलिए ना के बराबर प्रिपरेशंस करी गई थी इंडियन मिलिट्री की तरफ से। आर स्वामीनाथन ने इस पेपर में लिखा है कि कैसे अगस्त 1962 में जो इंडिया के हाई रैंक मिलिट्री लीडर्स थे उन्होंने चाइना के साथ वॉर को रूल आउट कर दिया था। इनफैक्ट सितंबर 1962 में भी मेजर जनरल जेएस ढिल्लों ने कहा था कि प्रीवियस एक्सपीरियंस से ये पता चलता है कि चाइनीज के ऊपर छोटे मोटे राउंड फायर करो वो डर कर भाग जाते हैं।
तो कोई चांस ही नहीं लगता कि वो हम पर एक जंग डिक्लेयर करेंगे। इसलिए दोस्तों जब पहला प्रॉपर हमला हुआ हमारी फोर्सेस के ऊपर, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। ईस्टर्न सेक्टर में तैनात 7th ब्रिगेड को ऑलमोस्ट 600 टन सप्लाईज की जरूरत थी अपना अटैक करने के लिए, लेकिन उनके पास 20% से भी कम सप्लाईज थी। 10 अक्टूबर के हमले के बाद इंडियन सोल्जर्स के लिए सिचुएशन एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह थी, कभी भी कुछ भी हो सकता था। 18 अक्टूबर चाइनीज प्रेपरेशंस और बड़े स्केल पर इंटेंसिफाई हो जाती हैं। 19 अक्टूबर को ये अपनी पीक पर पहुंच जाती है, कुछ 2000 चाइनीज सोल्जर्स काउंट करे गए। ये रात में हमला करने के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे। ब्रिगेडियर डालवी ये देखकर अपना इस्तीफा ऑफर करते हैं। वो कहते हैं कि ये तो एक लॉस्ट कॉज है, हम किसी भी हालत में प्रिपेयर्ड नहीं है और सोल्जर्स को यहाँ लड़ने भेजना एक डेथ ट्रैप होगा। अगले दिन 20 अक्टूबर सुबह के 5:14 150 गन्स और मोर्टार्स ओपन फायर करने लगती हैं। 7 घंटे के अंदर अंदर दोपहर होने से पहले इंडियन आर्मी की 7th ब्रिगेड पूरी तरीके से खत्म थी। उस सुबह 493 जवान इंडियन आर्मी के शहीद हो जाते हैं। ब्रिगेडियर जॉन डालवी को चाइनीज फोर्सेस के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है। एक दिन में ही जितनी भी डिस्प्यूटेड टेरिटरीज थी उस वक्त चाइनीज फोर्सेस उन्हें ऑक्यूपाई कर लेती हैं। लेकिन वो यहाँ रुकती नहीं है, बाकी के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में आगे बढ़ती है। उनकी नजर अब पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में मौजूद तवांग के शहर पर। 10,000 फीट पर मौजूद ये शहर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से करीब 445 किलोमीटर दूर है। ये अरुणाचल प्रदेश के वेस्टर्न मोस्ट रीजन में लाई करता है, जो रीजन चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है नॉर्थ में और साउथ वेस्ट में भूटान के साथ। 24 अक्टूबर 1962 चाइनीज फोर्सेस इस एरिया को भी ऑक्यूपाई कर लेती है। यहाँ पर रात के समय में भी हमला किया जाता है, और क्योंकि चाइनीज फोर्सेस के पास यहाँ पर ना सिर्फ ज्यादा संख्या मौजूद थी, ज्यादा प्रिपेयर्ड थे वो, बल्कि यहाँ पर एक हायर ग्राउंड पर भी वो मौजूद थी। इसका मतलब था कि तवांग को बचा पाना नामुमकिन था। इंडियन फोर्सेस यहाँ सही जजमेंट लेती हैं और विड्रॉ कर लेती हैं। अभी तक मैंने सिर्फ ईस्टर्न सेक्टर की बात करी है, यानी अरुणाचल प्रदेश और भूटान के आसपास का जो रीजन है। आइए एक नजर डालते हैं कि वेस्टर्न सेक्टर में क्या चल रहा था, अक्साई चिन और लद्दाख के रीजन में क्या हो रहा। 19 अक्टूबर की रात को चाइनीज फोर्सेज ने वेस्टर्न सेक्टर में भी कई इंडियन पोस्ट पर हमला बोला था। स्पेसिफिकली कहा जाए तो 14 जम्मू एंड कश्मीर मिलिशियाज की जो पोस्ट थी, दौलत बेग ओल्डी, चिपचैप वैली और गलवान पोस्ट पर। दौलत बेग ओल्डी के नॉर्थ में एक चांदनी नाम से पोस्ट थी, जिसमें सिर्फ 30 इंडियन सोल्जर्स तैनात थे। इस पोस्ट पर हमला किया जाता है 500 चाइनीज सोल्जर्स के द्वारा। ये 30 सोल्जर्स बड़ी बहादुरी से उस पोस्ट को पूरे एक दिन तक डिफेंड करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब के सब एक को छोड़कर शहीद हो जाते हैं। अगला दिन 20 अक्टूबर चाइनीज फोर्सेस आसानी से चिपचैप वैली, गलवान वैली और पैंगोंग लेक पर कब्जा जमा लेती हैं। जो एरिया सबसे ज्यादा जरूरी था इंडियन फोर्सेस के लिए इस रीजन में, वो था चुशुल। 14,000 फीट पर मौजूद ये एक छोटी सी सैंड की वैली थी। इसके नॉर्थ में पैंगोंग सो लेक थी और ये इकलौती इंडियन पोस्ट थी लद्दाख रेंज के ईस्ट में। यहीं पर पूरी वॉर की सबसे हीरोइक लड़ाई लड़ी जाती है, द बैटल ऑफ रेजांगला। इसकी बात मैं आगे करता हूँ, लेकिन इससे पहले टाइमलाइन में एक इम्पोर्टेंट चीज बतानी जरूरी है। अगर आप ऑफिशियल डेट्स देखोगे इस वॉर की, बताया जाता है कि 20 अक्टूबर 1962 से लेकर 21 नवंबर 1962 के बीच ये वॉर लड़ी गई, टोटल में 33 दिन। लेकिन इन 33 दिनों में से लगभग 2 हफ्ते ही थे जहां पर एक्चुअल फाइटिंग देखने को मिली। 24 अक्टूबर के बाद एक पॉज आ जाता है लड़ाई में, जो अगले 3 हफ्ते तक चलता है। ये इसलिए क्योंकि चाइनीज प्रीमियर चोउ इनलाई प्रधानमंत्री नेहरू को एक चिट्ठी लिखते हैं कुछ प्रपोजल्स देते हुए। इस चिट्ठी में 3 चीजें लिखी जाती हैं। पहला, दोनों साइड्स इस डिस्प्यूट को पीसफुली रिजोल्व करेंगे। दूसरा, दोनों साइड्स की आर्मी 20 किलोमीटर दूर पीछे हट जाएंगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से। और तीसरा, दोनों प्राइम मिनिस्टर्स दोबारा से मिलेंगे एक सेटलमेंट रीच करने के लिए। यहाँ ये बात मेंशन करनी जरूरी है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर चाइना का एक बहुत बड़ा अपर हैंड था इस वॉर में। जितने एरियाज उन्होंने क्लेम किए थे उन सब पर कब्जा जमा लिया था और इंडियन आर्मी को गहरा नुकसान भी पहुंचाया था। प्रधानमंत्री नेहरू जब इस चिट्ठी को पढ़ते हैं तो उन्हें चाइनीज पर भरोसा नहीं होता। उन्हें लगता है कि ये दोबारा से कोई चाल होगी चाइनीज की। वो जवाब में लिखते हैं कि चाइना की तरफ से बहुत सारी डिक्लेरेशंस की जा चुकी हैं कि वो बॉर्डर की सिचुएशन को पीसफुली रिजॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन आज जो हो रहा है ये वायलेंट कॉन्ट्रोल
कॉन्ट्रडिक्शन है इन डिक्लेरेशंस का। कुछ दिन बाद 4 नवंबर को चो इन लाई नेहरू को लिखकर कहते हैं कि अक्साई चीन का रीजन चाइना को दे दो और रिटर्न में चाइना मैकमोहन लाइन को ईस्टर्न सेक्टर में एज बाउंड्री एक्सेप्ट कर लेगा। पंडित नेहरू इस प्रपोजल को सीधा सीधा ठुकरा देते हैं। 14 नवंबर को जवाब में वो लिखते हैं, चाइना एक बड़ा ही मैग्नानिमस ऑफर दे रहा है, जो फायदा उन्हें पुराने एग्रेशन से हुआ है वो उसे सिक्योर करेगा, प्लस लेटेस्ट एग्रेशन से जो फायदा हुआ है वो उसे भी सिक्योर करेगा। थोड़ा सा सार्केज्म से भरा जवाब यहाँ, लेकिन एक चीज वो बड़े क्लियरली कहते हैं, ये एक ऐसी डिमांड है जिससे इंडिया कभी एग्री नहीं करेगा, व्हाटएवर द कॉन्सिक्वेंसेस मे बी एंड हाउएवर लॉन्ग एंड हार्ड दिस स्ट्रगल मे बी, चाहे जो हो जाए इंडिया कभी भी इस डिमांड को नहीं मानेगा। ये चिट्ठी वापस पहुंचते ही 14 नवंबर 1962 पंडित नेहरू के 73rd बर्थडे पर लड़ाई फिर से चालू हो जाती है। इस टाइम लड़ाई एक्चुअली में इंडिया की तरफ से पहली बार करी जाती है, एक काउंटर अटैक। बताया जाता है कि पूरी वॉर में ये इकलौता काउंटर अटैक था इंडिया की तरफ से। ये किया जाता है वालोंग में, एक ऐसा शहर जिसे चाइना के द्वारा क्लेम किया जा रहा था। यहाँ छिड़ती है द बैटल ऑफ वालोंग। असल में 3 हफ्ते का जो पॉज हुआ था, इसके बीच इंडिया को आसाम राइफल्स के कुछ सिपाहियों को रेस्क्यू करना था। तो ये करते समय 5 नवंबर को इंडिया की कुछ फोर्सेस एक बड़ी ही टैक्टिकली इम्पोर्टेंट लोकेशन को ऑक्यूपाई कर लेती है, ग्रीन पिंपल। ये एक पहाड़ी सी थी वालोंग और किबीतू के बीच में। तो 14 नवंबर की सुबह जब ये जंग शुरू होती है, 6 कुमाऊं इन्फेंट्री काउंटर अटैक को लॉन्च करती है। 4 कंपनीज बनाई जाती है, एडहॉक कंपनी कैप्टन बीएन सिंह के अंडर, बी कंपनी मेजर बीएन शर्मा के अंडर, सी कंपनी को रिजर्व के लिए रखा जाता है और डी कंपनी को ग्रीन पिंपल पे पोजीशन किया जाता है। ए और बी कंपनीज हमला बोलती हैं। इस जंग में हैवी फायरिंग देखने को मिलती है और एडहॉक कंपनी अपने लक्ष्य से सिर्फ 20 मीटर दूर थी, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाती हैवी कैजुअल्टीज और लिमिटेड फायर सपोर्ट की वजह से। रिजर्व टीम की मदद ली जाती है यहाँ पर, लेकिन इससे पहले कि ज्यादा ट्रूप्स वहां पहुंच पाते, चाइनीज फोर्सेस अटैक कर देते हैं इस पोजीशन पर और ढेरों कुमाऊनी ट्रूप्स शहीद हो जाते हैं। इस जंग के आखिरी दिन पर 16 नवंबर की सुबह चाइनीज फोर्सेस के द्वारा एक बड़ा हमला बोला जाता है। इंडियन फोर्सेस के पास यहां और कोई ट्रूप्स मौजूद नहीं थे, तो बचे कुछ ट्रूप्स को चाइनीज के द्वारा सराउंड कर लिया जाता है और वालोंग चाइनीज ऑक्यूपेशन के अंडर आ जाता है। एस्टिमेटेड 642 सोल्जर्स वालोंग में शहीद हुए। इवन दो इंडिया ये जंग हार गया, लेकिन आगे चलकर इतिहास में चाइना ने इस जगह को खाली कर दिया इंडिया के लिए और वालोंग की टेरिटरी आज के दिन इंडिया का हिस्सा है। इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट ईस्टर्न मोस्ट प्लेसेस है ये आज के दिन। फिर आते हैं हम वेस्टर्न सेक्टर पर, जहां सबसे बहादुराना जंग लड़ी गई इस वॉर की, द बैटल ऑफ रेजांगला। रेजांगला एक 16,000 फुट हाई फीचर है, चुशुल को डिफेंड करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि अगर कोई भी इन्वेडर इस जगह को पार कर जाता है तो वो लेह तक आसानी से जा सकता है। कुमाऊं रेजिमेंट की 13th बटालियन को काम दिया गया चुशुल को डिफेंड करने का। इनकी सी कंपनी में 117 सिपाही थे, जिन्हें कमांड किया जा रहा था मेजर शैतान सिंह के द्वारा। 18 नवंबर की सुबह के करीब 5 बजे चाइनीज फोर्सेस हमला बोलती है। 3 में से 2 इंडियन प्लाटून जो वहां मौजूद थे वो ओपन फायर करती है जवाब में। भारी चाइनीज कैजुअल्टीज देखने को मिलती है। पहला अटेम्प्ट चाइनीज का फेल हो जाता है। चाइनीज फोर्सेस फिर भारी आर्टिलरी फायरिंग करना शुरू करती है। इंडियन ट्रूप्स शेल्टर ले लेते हैं अपनी गोलियां बचाने के लिए। और जब दोबारा से कोशिश करी जाती है चाइनीज फोर्सेस के द्वारा रेजांगला को ऑक्यूपाई करने की, तब इंडियन प्लाटून अपनी बची हुई गोलियां उन पर बरसाते हैं। इस गोलियों की बौछार के बाद करीब 20 चाइनीज ट्रूप्स बचते हैं और करीब 12 इंडियन प्लाटून में ट्रूप्स। दोनों साइड्स अपनी ट्रेंचेस से बाहर निकलकर हैंड टू हैंड लड़ाई करने लग जाती है। चाइना का ये दूसरा अटेम्प्ट भी फेल रहता है। इसके बाद तीसरी बार कोशिश करी जाती है चाइनीज फोर्सेस के द्वारा इंडियन पोजीशंस पर हमला करने की। भारी संख्या आर्टिलरी और मोर्टार की यूज करी जाती है और इवेंचुअली चाइनीज आर्मी सक्सेसफुल रहती है। हारने के बाद भी रेजांगला की ये जंग इतनी फेमस इसलिए है क्योंकि हमारे सोल्जर्स ने जो बहादुरी दिखाई वो कमाल की थी। आखिरी दम तक 109 सोल्जर्स जमे हुए थे, लड़ रहे थे। यहाँ जो लड़ाई चली वो लास्ट मैन स्टैंडिंग तक की लड़ाई थी। कुछ वैसा हुआ जैसा केसरी फिल्म में दिखाया गया था। इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ने अपनी आखिरी गोली तक इस्तेमाल करी। आखिरी इंसान जो जिंदा बचा था वो मरते दम तक लड़ता रहा। कुछ इंडियन सोल्जर्स को चाइनीज के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, लेकिन जो जो सोल्जर्स शहीद हुए थे इंडियन साइड की तरफ से, उन सब ने अपनी बंदूक खाली कर दी थी
कोई एमिनेशन नहीं बची थी। यही कारण कि मेजर शैतान सिंह दूसरे भारतीय बन जाते हैं इतिहास में परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले, देश का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। इस बैटल के दौरान वो चाइनीज फायरिंग के अंदर आकर भारी तरीके से जख्मी हो गए थे। दो सिपाहियों ने उन्हें सेफ जगह पर पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन रिस्पांस में उन्होंने कहा कि मुझे यहीं छोड़ दो। वो एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपकर आखिरी दम तक लड़ते रहे। बाद में उनकी बॉडी एग्जैक्ट उसी जगह पर पाई गई थी। 20 नवंबर 1962 दोनों सेक्टर्स में चाइनीज आर्मी आगे बढ़ती जा रही थी। प्रधानमंत्री नेहरू पूरे देश के सामने ऑल इंडिया रेडियो पर एक ब्रॉडकास्ट करते हैं, भाइयों और बहनों भारी संख्या में चाइना की आर्मी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में मार्च कर रही है। हमें कुछ रिवर्सेस देखने को मिले हैं वालोंग जैसी जगहों में, लेकिन एक चीज मैं देश के सामने क्लियर कर देना चाहता हूँ, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये घुसपैठिया देश के बाहर नहीं पहुंच जाता या फिर बाहर नहीं धकेल दिया जाता। वी शैल नॉट रेस्ट टिल द इन्वेडर गोज आउट ऑफ इंडिया और इज पुश्ड आउट। आई वॉन्ट टू मेक दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड स्पेशली आर कंट्री मैन इन आसाम टू हुम आर हार्ट गोज आउट एट द मोमेंट। से एक दिन पहले 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नेहरू अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को चिट्ठी लिखते हैं। इस चिट्ठी में वो बताते हैं कि किस तरीके से चाइनीज फोर्सेस ने ये ऑफेंसिव प्लान किया है, कैसे उनका ये एक प्रोपेगेंडा ऑफेंसिव था अपना 3-पॉइंट प्रपोजल प्रेजेंट करने का और शांति बनाने का नाटक करने का। अमेरिकन प्रेसिडेंट से वो मदद मांगते हैं कि यूएस मिलिट्री आकर चाइनीज के खिलाफ एयर स्ट्राइक्स करे। यूएस मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता था इस वॉर में, लेकिन अगले ही दिन 21 नवंबर को खुद ही से ही अपनी तरफ से जंग रोक देती है। चाइनीज फोर्सेस मैकमोहन लाइन से 20 किलोमीटर पीछे लेकर विड्रॉ कर ली जाती है। यहाँ एक बड़ा सवाल ये कि चाइनीज आर्मी के पास इतना बड़ा अपर हैंड था इस वॉर में, तो उन्होंने अचानक से लड़ना क्यों रोक दिया। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं ये एक टैक्टिकल डिसीजन था। सर्दियों का मौसम बड़ी तेजी से आ रहा था, चाइनीज आर्मी की जो सप्लाई लाइन थी वो वल्नरेबल बनने वाली थी, और शायद इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने जवाहरलाल नेहरू की सुन ली थी। अमेरिकन हथियार, एम्यूनिशन और क्लोदिंग इंडिया में फ्लाई इन कराए जा रहे थे, तो ऐसे मौके पर एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक डिसीजन चाइनीज आर्मी की तरफ से कि लड़ना बंद किया जाए और विक्ट्री डिक्लेयर कर दी जाए। चाइनीज आर्मी चुशुल के एरिया से भी विड्रॉ कर जाती है, जो कि आज के दिन इंडियन टेरिटरी का हिस्सा है। ईस्टर्न सेक्टर में अमेरिका इंडियन बाउंड्री को रिकॉग्नाइज करता है, मैकमोहन लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर एक्सेप्ट किया जाता है। इसके तहत पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश का एरिया इंडिया का हिस्सा बने रहता है। वो अलग बात है कि आज के दिन चाइना ने अपने नए नक्शे निकाले हैं और अब वो दोबारा से अरुणाचल प्रदेश के एरिया पर अपना क्लेम बनाते हैं। दूसरी तरफ अक्साई चिन का एरिया चाइना ने कम्प्लीटली ऑक्यूपाई कर लिया था, तो आज के दिन अमेरिका अक्साई चिन को एक डिस्प्यूटेड एरिया मानता है, जिसे चाइना के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है लेकिन इंडिया के द्वारा क्लेम किया जाता है। अमेरिका का ये भी मानना था कि चाइना का ये मिलिट्री एक्शन अपनी खुद की पॉपुलेशन को डिस्ट्रैक्ट करने का एक तरीका था। बाकी और इंटरनेशनल ओपिनियंस देखे जाए तो ब्रिटिश सरकार पूरी तरीके से इंडिया की साइड पर थी। उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी लॉर्ड होम ने कहा था, वी हैव टेकन द व्यू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द प्रेजेंट फ्रंटियर्स एंड द डिस्प्यूटेड टेरिटरीज बिलोंग टू इंडिया। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज मेंशन करनी जरूरी है, जब प्रधानमंत्री नेहरू ने अमेरिका से फाइटर जेट्स की रिक्वेस्ट करी थी, बताया जाता है कि फाइटर जेट्स देने से मना कर दिया था कैनेडी ने। इसके पीछे एक कारण ये कि यूएसए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से डील कर रहा था इसी समय के दौरान। ये क्राइसिस इतनी बड़ी थी कि इसकी वजह से ऑलमोस्ट एक वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ गई थी। इंटरनली पंडित नेहरू को बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है सरकारी ऑफिशियल्स, इवन प्रेसिडेंट राधा कृष्णन पंडित नेहरू को क्रिटिसाइज करते हैं। आर्मी की सही समय पर तैयारी ना होना ब्लेम किया जाता है डिफेंस मिनिस्टर पर, और इसके रिस्पॉन्स में डिफेंस मिनिस्टर मेनन अपनी पोजिशन से इस्तीफा भी दे देते हैं। पंडित नेहरू खुद अपनी गलतियों को सीधा सीधा स्वीकार करते हैं। इमेजिन कर सकते हो आज के दिन जब चाइना इंडियन जमीन पर कब्जा जमाए जा रहा है, अपने क्लेम्स को बढ़ा रहा है, हमारी टॉप लीडरशिप अपनी गलतियों को एडमिट करे। लुक, दे आर द बिगर इकोनॉमी, व्हाट एम आई गोइंग टू डू एज अ स्मॉलर इकोनॉमी, आई एम गोइंग टू सॉर्ट ऑफ गो पिक अ फाइट विद अ बिगर इकोनॉमी। 1962 और आज के दिन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज हम अपनी इनफीरियोरिटी एडमिट कर रहे हैं, जबकि 1962 में हमको अपना ओवर कॉन्फिडेंस एडमिट करना पड़ा था। इस हार के बाद पंडित नेहरू की हेल्थ बड़ी तेजी से खराब होने लगती है। बताया जाता है जो इमोशनल स्ट्रेस, शॉक और स्ट्रेन उनकी बॉडी को सहना पड़ा, ये एक बड़ा कारण था उनकी खराब होती हुई हेल्थ के पीछे। इस वॉर के करीब एक साल बाद जनवरी 1964 में पंडित नेहरू को एक स्ट्रोक होता है, और कुछ महीने बाद मई 1964 में जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो जाता है। जो शहीद हुए हैं।
लता मंगेशकर जी का ये गाना ए मेरे वतन के लोगो 27 जनवरी 1963 को रिलीज किया जाता है इसी वॉर में शहीद हुए सोल्जर्स के ट्रिब्यूट के तौर पर। इसके बाद इंडिया और चाइना के बीच के जो रिलेशंस थे वो कभी सुधरते नहीं। 1967 में एक और माइनर कॉन्फ्लिक्ट होता है, 1987 में और क्लैशेस देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं हम 2017 के डोकलाम क्लैशेस पर और आज के दिन तक ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स और क्लैशेस जारी हैं। ये वीडियो पसंद आया तो ऐसे ही मैंने और वीडियोस बनाए हैं 1971 की वॉर पे और 1999 की कारगिल वॉर पर। कारगिल वॉर वाला वीडियो यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।